सिमरी थाना क्षेत्र के फोरलेन पथ पर शोभन पुल के निकट सड़क किनारे से रविवार को बरामद महिला के शव की पहचान कंसी निवासी बसंत चौपाल की पत्नी दीपो देवी के रूप में की गई है। मृतका के स्वजनों का कहना है कि महिला की हत्या कर शव को दरभंगा मुजफ्फरपुर उच्च पथ के शोभन पुल पर फेंक दिया गया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि महिला अपने ग्रामीण विकास महतो के साथ बाइक पर बैठकर शिवधारा से वापस अपने गांव कंसी वापस लौट रही थी कि रास्ते पर शोभन के निकट सड़क हादसे के बाद मौत हो गई है। वहीं मनोरी महतो सड़क किनारे पुल पर महिला को छोड़कर कर फरार हो गया है। इसके बाद किसी ऑटो चालक ने महिला को शिवधारा में निजी क्लिनिक में उपचार हेतु भर्ती कराया, जहां चिकित्सक द्वारा मृत घोषित करने पर वापस कंसी लाकर शव को छोड़ दिया है। मृतका के स्वजन व स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि महिला दीपू देवी के पुत्र रोहित चौपाल की बाइक से ठोकर लगकर 2 माह पहले गांव के वृद्ध मनोहर महतो का दुर्घटना के बाद शिवधारा में डॉक्टर शब्बीर अहमद के क्लिनिक पर उपचार चल रहा था। सामाजिक स्तर पर निर्णय के बाद जख्मी वृद्ध के इलाज का खर्चा दीपू देवी दे रही थी। रविवार की सुबह दीपू देवी जख्मी वृद्ध के पुत्र विकास महतो कंसी के साथ इलाज में खर्चा का हिसाब करने के लिए 67,000 रुपए लेकर शिवधारा क्लिनिक पर गई थी। इसके कुछ देर बाद पता चला कि महिला दीपो देवी का शव शोभन चौक के समीप पुल के पास फेंका हुआ है। ग्रामीणों एवं मृतक के स्वजनों का आरोप है कि महिला की हत्या कर उसके पास रखा नकद 67,000 रुपए, शरीर से गहना व मोबाइल को गायब कर दिया है। महिला के शव को पुल पर छोड़कर मनोहर महतो बाइक से फरार हो गया है। इधर ऑटो चालक शोभन निवासी श्रवण कुमार ने कहा कि हम दरभंगा की ओर जा रहे थे कि शोभन पुल पर भीड़ ने टीम को रोककर बाइक चालक युवक ने कहा कि एक्सीडेंट हो गया है, इस महिला को शिवधारा ले चलो। मैं उसके कहने पर शिवधारा गया, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद बाइक सवार ने कहा मेरे साथ कंसी चलकर महिला को वहां पहुंचा दो। मैं कंसी गांव पहुंचा कि बाइक सवार भीड़ में महिला के शव को छोड़कर कर भाग निकला। इधर घटना की सूचना पर सिमरी थाना के दारोगा पंकज रजक व जमादार अनिल तिवारी मृतक के घर कंसी पहुंचकर जांच पड़ताल की। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस से महिला की हत्या में शामिल मनोरी महतो के पुत्र विकास को गिरफ्तारी की मांग करने के साथ शव को बीच सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान अफरा तफरी के बीच मृतका के स्वजन का कहना था कि दीपो देवी के पति जब तक बाहर से आते नहीं है शव को उठाने नहीं देंगे। स्थानीय लोगों के प्रयास के बाद महिला के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया है। थानाध्यक्ष बीरेन चौधरी ने कहा है कि मृतका के स्वजनों से प्राप्त आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर घटना की सूचना के बाद दीपो देवी के घर मातम छा गया। पुत्र रोशन चौपाल, रोहित कुमार, पुत्री राम दुलारी, खुशबू कुमारी चित्कार मार कर अपनी माँ के शव से लिप्त कर रो रही थी। मौत की सूचना के बाद महिला दीपू देवी के मायके वाले बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सिनवारा गांव से कंसी पहुंचकर घटना की जानकारी ले रहे थे। मृतका सीताराम कहार की पुत्री बताई जाती है। दीपू देवी की पति बसंत चौपाल मुंबई में मजदूरी का काम करता है। पत्नी की अचानक मौत की सूचना के बाद घर वापस लौट रहे हैं। जानकारी हमारा बता दे, मतलब ऐसे 2 महीना पहले दीपू देवी के लड़का और एक मलाह के लड़का, दोनों लड़का घूमे जाते रहे चट्टी ओरी जी। बूढ़ा के ले गए ठोकर। कहाँ पर ठोकर लगा? चट्टी पर, वो टोल में, कंसी टोल में। अच्छा। उनका कपार फूट गेलन, टांग में चोट लगलन, टांग टूट गेलन। ओहि दिन से हुनकर इलाज चालू छल, सब चीज हुनकर इलाज चालू होत होत हुनका सब चीज ठीक भ गेलन, बड़ बढ़िया बड़ चिकन। ये अंतिम दिन छलन हुनका बैंडेज कटाबे के। कल हर लड़का आयल छे कहला जो चल हमारा पापा के बैंडेज कटा दे, आई नहीं जाब हम कल जाब। तो कल कि जो जे जहाँ पैसा होते डॉक्टर के से वहाँ पर कि ना से गिनती तोरा करे पड़त। कनिया अपन 50,000 की 60,000 रुपया अपन बैंक से छोड़ा कर भाई जहाँ से साथ में ल आज चल रही। तो सब दिन लड़की अकेले जाए छे, लड़का संगे बाप के इलाज कराबे, केकरो संगे नहीं लो जाए छे। आइयो वो अकेले निकल, अकेले निकल ले के गेल, पता नहीं यहाँ जो कौन गाड़ी से ले गेल नहीं ले गेल, वही के कोई संभावना तो ले गेल जे से जानते। लाश चल फेकल शोभन पुल के भट्टा वाला रास्ता जो रोड है वही साइड में। हमार सैलो देवी नाम है। के छिए अहाँ? ग्रामीण? हम हुनकर दियादिन छिए, बड़ी दियादिन। तो उ शोभन पुल के कात में छलो लाश फेंकल, तो जब जे आप 10 गो लोग देखल के जो भाई लाश गिरल है देखी जाने ठोकर लग गए, तो सब दौड़ल है जुटल है। टेम्पू वाला जो ले के अलो एक टेम्पू छो जन लागल, 10 गो भाई मिलकर उठाकर एक टेम्पू में धो दिल्क
जब तक प्राण छलै ये लेके सबीर हियाँ चल रही है कि चलो सबीर हियाँ भर्ती कर देंगे। जब तक सबीर हियाँ जाए जाए जब तक उनका प्राण छूट गया गाड़ी वाला बेचारा सबीर के क्लिनिक पर नहीं लो जाकर घुरा का गाड़ी लेकर चल। जब हमरा सबके मालूम भेलो कि एना ना ठोकर लगले कहाँ है तो सबीर में तो हम सब दू गाड़ी से जाए छलिया फिर मप्पी से निकल लिया हम सब गहुमी में पहुँच लिया तो फोन गया कि जहाँ सब नहीं जाओ से लाश चल अल घर। हम कहे 10 मिनट नहीं भले लाश केना चल गए घर मर गए तो वजन रखना चाहिए ना जो हमरा घर के लोग पहुँचते तब ना लाश वहाँ से अतः यहाँ से गया तो वजन से हम सब घूर के चल अलिए बाबू घर। आई अंतिम दिन छा पापा के अति पलस्तर गोर में के चले से कटैसे ओकरा 2 लाख रुपया लगल बूढ़ा के कि 3 लाख लगल 2 महीना से इलाज हो चला 10 दिन पर 15 दिन पर 8 दिन पर ओकरा शरीर में जा जाके बूढ़ा के लड़की दीपो देवी चेक करवे छला। ठीक।